हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। वेटेज के हिसाब से ही मैं ले रहा हूँ, वेटेज के हिसाब से ले रहा हूँ। मैग्नेटिज्म को भी वेटेज है, लेंगे मैग्नेटिज्म, कुछ नहीं, यूनिट्स के बाद मैग्नेटिज्म। तो हाँ चलो, कल क्या हुआ? सीपी सीवी का सब हुआ है। आज अभी उस चैप्टर का एकदम फाइनल पार्ट बचा है, केटी जी का एकदम चिल्लर चिल्लर पार्ट बचा है, कंप्लीट करेंगे। देखो तो नेक्स्ट है पॉली एटॉमिक गैस का, ठीक है? तो इसका F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशनल। इसका वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? F है, ये दिया है। इसका वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F है, दैट इज गिवन। एंड वी हैव टू फाइंड आउट CV, CP एंड गामा, ये तीन फाइंड आउट करना है पॉली एटॉमिक गैस। और इंफॉर्मेशन दिया क्या है कि वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? तो F है। वैसे निकालना है तो पहले तो काम करना है किस पे? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पे, ठीक है? तो कितना रहेगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल? तो नहीं, अभी मैग्नेटिज्म में जाएंगे तो ACEMI कंप्लीट करके निकलने का उधर से। मैग्नेटिज्म में घुसेंगे तो MESC कंप्लीट करने का, मैग्नेटिज्म कंप्लीट करने का, फिर EMISC पूरा करके निकलने का उधर, मैग्नेट खत्म ही करने का पूरा। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है? हाँ, और पेपर का कुछ डाउट्स कल आया था मुझे, संडे का पेपर जो था, संडे का नहीं ट्यूसडे का, उसका कल मैंने शाम को थोड़ा डाउट्स आया था मुझे, 5-6 वो सॉल्व करके सेंड किया जिसका था उसको। तो बाकी का क्वेश्चंस भी मैंने देख लिया, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, पेपर एकदम सिंपल था। ये इंडिकेट कर रहा है कि सर्कुलर मोशन तुम्हारा वीक है, उसका प्रिपरेशन वीक है, तुम लोगों ने प्रिपरेशन नहीं किया। तो नेक्स्ट वीक में उसके ऊपर और एक एग्जाम रखेंगे, उसका जिस भी एग्जाम में कम मार्क्स आता है जिस भी चैप्टर पे, उसका रिवीजन और एक बार रखेंगे। अभी इस वीक में भी हो गया, नेक्स्ट वीक में भी और एक बार रखेंगे। ट्यूसडे का पेपर सेम, सर्कुलर मोशन एंड वेक्टर वही रहेगा, नो चेंज। नेक्स्ट कमिंग ट्यूसडे सेम पेपर, इंप्रूव करो, प्रिपरेशन अच्छा करो, ठीक है? जब भी कोई चैप्टर वीक होता है, और बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, कम मार्क आता है, वापस रखेंगे। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकलना है। अभी वाइब्रेशन दिया है तो क्या पकड़ने का? इधर पॉली एटॉमिक में ट्रांसलेशन का 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एंड रोटेशन का भी 3 पकड़ने का। तो 3 एंड 3 वो हो गया 6। ट्रांसलेशन का 3 एंड रोटेशन का 3, वो 6 तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, प्लस उसके ऊपर किधर है इतना वाइब्रेशन का एफ है। तो एक वाइब्रेशन में कितना रहता है? एक वाइब्रेशन में KBT रहता है। एक वाइब्रेशन में कितना KBT रहता है? अपने पास कितना वाइब्रेशंस का डिग्रीज है? एफ है, तो एफ KBT। अपने पास कितना है? एफ है, तो एफ इंटू KBT, ठीक है? तो ये कितना हो गया देखो, इधर से 3 और उधर से F, 3 + F KBT। अगर पर मोल चाहिए तो RT आ जाएगा, है ना? 3 + F KBT, ये हो गया एक मॉलिक्यूल का। इफ वी वांट इंटरनल एनर्जी ऑफ एंटायर मोल, 1 मोल, देन इंस्टेड ऑफ KB वी हैव टू राइट R। तो दिस इज इंटरनल एनर्जी। तो CD का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव 3
प्लस एफ आर सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसमें कैपिटल आर मिक्स करो तो 4 प्लस एफ होता है, एंड गामा कितना, इसमें कैपिटल आर मायर्स फॉर्मूला, गामा मींस डिवीजन, तो 4 प्लस एफ डिवाइडेड बाय 3 प्लस एफ, ये हो गया मामा, ठीक है, गामा, गामा प्रोनाउंसिएशन करने का, मामा ने गामा, गामा, ठीक है, ओके, मारो, स्क्रीनशॉट मारो, हो गया, ठीक है, अच्छा है। अब कभी कभी क्या रहता है, कभी कभी क्या रहता है, देखो पॉलीएटॉमिक ही बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, पॉलीएटॉमिक ही बोलते हैं, ये हुआ नहीं ना पॉलीएटॉमिक का, क्या बताया मैंने कल, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बताया नहीं, ऐसा लग रहा है, पॉलीएटॉमिक का बताया क्या कल, क्या नहीं बताया, नहीं बताया ना, अगर सुबह मुझे याद नहीं आ रहा, तो पॉलीएटॉमिक में कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक में कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, वाइब्रेशंस आर नॉट प्रेजेंट, ऐसा भी न्यूमेरिकल में आता है, नो वाइब्रेशंस, ठीक है, वाइब्रेशन जनरली हर एक मॉलिक्यूल में नहीं रहता, वाइब्रेशन एकदम हायर टेम्परेचर पे ही रहता है, टेम्परेचर कम है तो गैस में, टेम्परेचर अगर कम है तो गैस में, रूम टेम्परेचर पे वगैरह वाइब्रेशन नहीं रहता गैस के मॉलिक्यूल्स में, अभी सॉलिड पे रहता है लेकिन गैस में, गैस का चल रहा है, अपना जितना भी सीपी सीवी देखा है गैस के लिए देखा है, उतना तो पता चाहिए, नहीं तो बाद में नहीं समझेगा सीपी किसका वैल्यू है, लिक्विड के लिए निकाला है गैस के लिए, गैस के लिए निकाला है, तो गैस में जनरली वाइब्रेशन नहीं रहता, रूम टेम्परेचर को बहुत बड़ा टेम्परेचर है तभी वाइब्रेशंस रहता है उसमें, तो वाइब्रेशन नहीं है, एंड एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ओके, अच्छा है, फिर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना आएगा, हर एक में हाफ केबीटी है, अपने पास एफ डिग्रीज है, अपने पास एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो एफ से मल्टीप्लाई करने का, तो एफ बाय टू इंटू केबीटी, कितना, एफ बाय टू इंटू केबीटी, ठीक है, ओके, अब काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाला, तो दैट इज इट्स इंटरनल एनर्जी, तो इंस्टेड ऑफ के आई शुड राइट व्हाट, आर, एफ बाय टू आर टी, तो दिस इज इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज सीवी, एफ बाय टू आर इज सीवी, व्हाट इज सीपी, एफ बाय टू प्लस वन आर इज सीपी, एंड सीपी अपॉन सीवी मीन्स गामा कितना है, गामा है एफ बाय टू प्लस वन डिवाइडेड बाय एफ बाय टू, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा तुम लोगों को, वन प्लस टू डिवाइडेड बाय एफ, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया एफ प्लस टू, नीचे ये टू, ये टू कैंसिल, फिर थोड़ा करके देखो, सोचो थोड़ा, अभी सब मैं ही बताऊंगा तो तुम लोग क्या सोचोगे, चलो, तो इससे ये आता है, तो पॉलीएटॉमिक का दो तरफ से, दो तरीके से आता है, वाइब्रेशन नहीं है, एफ डिग्रीज दिया है तो ऐसा, और वाइब्रेशंस दिया है तो क्या पकड़ने का, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल दोनों का मिलके
थ्री एंड थ्री सिक्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पकड़ने का, ठीक है चलो लिख के ले लो। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन क्या है देखो, आज कौन कौन सा टॉपिक पे पेपर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी टोटल ऑल सिलेबस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑल सिलेबस। कुछ अगर बचा है चैप्टर, कुछ अगर रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ तो कंप्लीट करो रिवीजन। और जितना भी पेपर हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कान खोल के सुनो जरा। देखो जितना भी अपना पेपर हो रहा है उसमें जितना भी मिस्टेक्स है, पूरा एक एंड एक मिस्टेक, ऑल मिस्टेक सॉल्व करो। जितना भी मिस्टेक्स है पेपर में अपना पूरा सॉल्व करो, एकदम अच्छा फिजिक्स हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा तो तीन पेपर ही चल रहा है वीक में। लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उनका कितना पेपर चालू था, डेली वन पेपर चालू था। कितना, डेली वन पेपर, सिलेबस खत्म होने के बाद डेली वन पेपर। सिलेबस हुआ था 7th मार्च को, उनका सिलेबस लास्ट ईयर 7th मार्च को हुआ था। तो पूरा मार्च अप्रैल फुल सिलेबस पेपर, फुल सिलेबस नहीं, डेली पेपर, तीन तीन चैप्टर पे रखता था डेली पेपर। ठीक है, अब मई का एग्जाम गया, जुलाई में, जुलाई का गया सितंबर में, सितंबर तक पूरा डेली एक पेपर था, डेली एक पेपर था। तुम लोगों को अगर लग रहा है कि तीन पेपर बहुत ज्यादा है तो कुछ ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। अब डेली होने वाला है, एक बार सिलेबस हो गया तो डेली पेपर होने वाला है। तो बहुत बेनिफिट होता है, ज्यादा पेपर लेने से बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, जितना भी मिस्टेक्स है पूरा सॉल्व करने का, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी मिस्टेक्स हो गया है पूरा सॉल्व करने का, पूरा देखने का क्यों हुआ ये मिस्टेक, क्यों हुआ, क्या फॉर्मूला था। तो जो जो याद नहीं आया तो फॉर्मूला रट लो, कैसे यूज करने का। ठीक है, अब कॉनिकल पेंडुलम का समझो एक न्यूमेरिकल गलत हो गया, सर्कुलर मोशन में है, समझो कॉनिकल पेंडुलम के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, गलत हो गया। तो अगर कॉनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला याद नहीं है तो पूरा का पूरा कॉनिकल पेंडुलम रिवाइज करने का, रट्टा करने का, समझ रहे ना कैसा स्टडी करने का, गलती हो गया तो ऐसा करने का। समझो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, उसका दो न्यूमेरिकल्स गलत हो गया, दो होता है या फिर एक भी होने तो, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद नहीं आ रहा। तो जितना भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन है पूरा उसका थ्योरी अच्छे से रीड करो और थोड़े 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, प्रिपरेशन अच्छा करो। ओके, एकदम मस्त पढ़ाई करो, इस टाइम फोड़ने का है, इस टाइम नीट में एकदम फोड़ने का है, हवा होना चाहिए, इधर परवनी में अपना हवा होना चाहिए, पढ़ाई करो एकदम जम के, होने वाला है मैं भी बोलता हूँ, पहले ही बोलता हूँ होने वाला है। ठीक है ना, ये लास्ट ईयर का रिजल्ट लगने के पहले बोलता था अच्छा आने वाला है, अभी बोलता हूँ इस साल का भी एकदम अच्छा आने वाला है, लास्ट ईयर से अच्छा आने वाला है। लेकिन तुम लोग और ज्यादा पढ़ाई करो। चलो अब क्या है नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड तो क्या है, तो इसका देखो कैसा करना है। तो गैस में वाइब्रेशंस जनरली नहीं रहता, किसके अबाउट वाइब्रेट करेगा, गैस में जनरली वाइब्रेशंस नहीं रहता, किसके अबाउट वाइब्रेशन करेगा। ठीक है ना, समझो यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल है, इसको मैं इधर से स्मैश करता हूं तो उधर जाएगा, वाइब्रेशन किधर करेगा। लेकिन ऐसा देखो, अभी क्या है, ऐसा देखो, अभी ये पेन, अभी स्केल चाहिए था लेकिन अब स्केल उधर गया है। इसको देखो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसको क्या किया मैंने, ऐसा किया, इसको क्या किया, ऐसा किया, अभी इसमें थोड़ा इलास्टिसिटी नहीं है, चाहिए था, इसको क्या किया, ऐसा किया, आया क्या देखो वाइब्रेशन, आया क्या इसको ऐसा, तो इसको स्मैश किया ऐसा, तो वाइब्रेट हो रहा है क्या, देखो वाइब्रेट हो रहा है, इसको स्मैश किया, ऐसा वाइब्रेट हो रहा है ना। तो सॉलिड में वाइब्रेशन रहता है, सॉलिड में वाइब्रेशन रहता है, क्यों, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल का पोजिशन फिक्स रहता है। अभी किसके तो अबाउट वाइब्रेशन होगा ना, वाइब्रेट वाइब्रेशन के लिए
मीन पोजीशन चाहिए, तो सॉलिड में वैसा रहता है, सब मॉलिक्यूल्स क्या है फिक्स है, सब मॉलिक्यूल्स फिक्स है, तो ये मॉलिक्यूल फिक्स है, इधर उधर किधर नहीं जा सकता, इधर जा सकता है क्या नहीं, ऊपर जा नहीं, इधर जा सकता है क्या नहीं, तो इसको ट्रांसलेशनल मोशन वगैरह नहीं रहता, सॉलिड का मॉलिक्यूल है, ट्रांसलेशन लीनियर मोशन इसको नहीं है, तो लीनियर का इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, गैस को है, गैस इधर जा सकता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकता है, तो गैस को वो फ्रीडम है, सॉलिड को वो फ्रीडम है क्या लीनियर मोशन का, नहीं है उसको, उधर चुपचाप बैठना पड़ता है। गोल घूम कर सकता है क्या सॉलिड का एटम, सॉलिड का एटम गोल घूम सकता है क्या, गैस का घूम सकता है इधर, सॉलिड का घूम नहीं सकता, उसको घूमने का भी परमिशन नहीं है, ट्रांसलेशन का भी परमिशन नहीं, हाँ एक परमिशन है उसको, इसका पोजिशन फिक्स है तो ये वाइब्रेट होते रहता है, तो एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट मारेगा, y डायरेक्शन में वाइब्रेट मारेगा और z डायरेक्शन में वाइब्रेट मारेगा, इधर इधर और इधर, तो दिस मॉलिक्यूल वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शंस, तो तीन वाइब्रेशन है इसका, इसका वाइब्रेशन का फ्रीडम कितना है तीन, इसका वाइब्रेशन का फ्रीडम कितना है तीन, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हर एक में केबीटी, हर एक वाइब्रेशन में केबीटी, अपने पास तीन है तो तीन केबीटी, ट्रांसलेशन है क्या इसको नहीं है एंड रोटेशन भी नहीं है, तो सॉलिड को इतना ही रहता है, सॉलिड को इतना ही रहता है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इंटरनल एनर्जी, सो रिप्लेस केबी बाय आर, 3RT, तो C कितना आएगा, इसका CP CV कुछ रहता नहीं, सॉलिड है तो इसका CP और CV निकालोगे अलग अलग, हुशार बनोगे, हुशार नहीं बनने का, सॉलिड है इसका किधर का प्रेशर सेम और किधर का वॉल्यूम सेम, कुछ नहीं रहता, एक रहता है सॉलिड का C, डेरिवेटिव मारा तो 3R आता है, कितना आता है 3R, तो बस कार्बन का थोड़ा अलग आता है, 3R नहीं आता, बाकी कॉपर का, स्टील का, इनका स्पेसिफिकली 3R के आसपास आता है, कार्बन क्या है एक्सेप्शन है, इसको लिख के रखो, एनसीईआरटी में डेटा दिया है उधर है, कार्बन एक्सेप्शन है, ठीक है, बाकी कॉपर का, स्टील का 3R के थोड़ा पर आसपास रहता है, थोड़ा सा इधर उधर फर्क रहता है लेकिन है, ठीक है, ओके। तो सॉलिड का स्पेसिफिक हीट हो गया, अब उसके बाद मायर्स फॉर्मूला है, ऑलरेडी बोला है तुम लोगों को, कुछ बोलता नहीं वापस, मायर मतलब वो सीपी माइनस सीवी इज आर, अगर सीपी एंड सीवी बोथ आर इन पर मोल, इफ दे बोथ आर इन पर ग्राम, देन आर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ता है ग्राम्स में, if cp and cv both are in per kg units then we have to divide r by molecular weight in kilogram, kal kiya tha na waisa, theek hai, to cv cp and gamma ka formula ho gaya, cv and cp ka formula gamma ke terms mein already bola hai maine, थर्मो में भी हुआ था, इधर भी बोला है, कल न्यूमेरिकल्स किया था उसमें हुआ, सीवी का वॉल्यूम क्या रहता है आर अपॉन गामा माइनस वन, सीवी क्या रहता है आर अपॉन गामा माइनस वन, सीपी गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, सीपी गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है, गामा मिक्सचर का कैसे निकालने का वो बोला, वो याद रखो, तो मिक्सचर का गामा निकालने का, मिक्सचर का सीपी चाहिए तो गामा से निकाल सकते हैं ना, अभी निकाल सीपी का फॉर्मूला बोला ना मैंने, गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, जो मिक्सचर का गामा है इधर डालो सीपी निकलता है, सीवी का जो फॉर्मूला है गामा के टर्म्स में, गामा गामा नहीं आर अपॉन गामा माइनस वन उधर डालो तो सीवी मिलता है, तो सीवी मिक्सचर का क्या है, रटने का जरूरत नहीं है, है एररलेस में फॉर्मूला लेकिन रटने का जरूरत नहीं है, सीपी मिक्सचर का कैसे निकालना उसका अलग एक फॉर्मूला एररलेस में दिया है, कुछ रटने का जरूरत नहीं, ओनली गामा का मैंने कल बताया था उतना याद रखो, गामा से वी कैन फाइंड आउट सीपी एंड सीवी,
ठीक है, एररलेस में एक मूविंग कंटेनर भी दिया है, कंटेनर मूव हो रहा है उसको रोका तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, कुछ काम का नहीं है, मत रीड करो, ठीक है। देन स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, सॉलिड ने वॉटर, देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर, तो देखो वॉटर का निकालेंगे, अभी करने का वही करने का, स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर, तो वॉटर का क्या है, तो वॉटर का स्पेसिफिक हीट बाय कंसिडरिंग सॉलिड फाइंड आउट किया है और वो एक्चुअल स्पेसिफिक हीट से मैच करता है, वॉटर का स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट किया है, कैसा फाइंड आउट किया है, बाय एज्यूमिंग वॉटर एज सॉलिड एंड जो भी वैल्यू निकाला है वो एक्चुअल से मैच करता है, तो फिर ऐसा ही निकाला है सब जगह पे, सब बुक्स में ऐसा ही निकाला है, बाय कंसिडरिंग वॉटर एज सॉलिड, क्यों किया है का पता लेकिन किया है, ठीक है। तो क्या पकड़ते हैं, दिस इज सॉलिड, ये H2O है, तो मतलब ये O है एंड ये HH है, O एंड HH, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर रहता है, ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहता है, कौन सा रहता है, sp3 रहता है, sp2 रहता है, क्या रहता है, कुछ पता है क्या, देखो मेरे को कितना आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी पता है मुझे, याद आ रहा है सब मुझे, sp रहता है, sp नहीं रहता होगा, इसका लोन पेयर ऑक्सीजन का होगा ना ऊपर, sp नहीं होगा, sp क्या, देखो कितने बच्चे होशियार, देखो अपने क्या होशियार दिख रही है, क्या बात है, एक आंसर आया है, अब सब आंसर बोलता हूं, एसपी एक, एसपी एसपी थ्री के तीन आए हैं और एसपी टू के भी दो आए, क्या बात है, कितना है ऑक्सीजन का, 8 रहता है ना, 8, तो अंदर 2 है बाहर 6 है, चार इसके साथ एक, इसके साथ एक, sp3 लग रहा है मुझे, तो देखो तुम लोग अभी, मुझे तो sp3 sp2 तीन रहते ना, एक दो तीन चार, दो लोन पेयर एंड ये इधर का दो, चार बॉन्ड लग रहा है ना, देखो तुम लोग, मुझे कुछ पता नहीं, sp3 लग रहा है मुझे, देखो तुम लोग अभी क्या है, जो भी है तुम लोग इतना होशियार हो क्या, तो सॉलिड एज्यूम करने का, ए चलो रे सब इधर देखो, क्या एज्यूम करने का, सॉलिड एज्यूम करने का, sp2 है क्या, ठीक है रहने दो, तुम लोग बहुत होशियार है इधर, तो यस क्या जो भी है तुमको क्या करने का, सॉलिड एज्यूम किया है, क्यों, अब रियल रियलिटी से मैच करता है इसलिए एज्यूम किया, बाकी कुछ रीजन नहीं दिया, NCERT में बाकी कुछ रीजन नहीं दिया, रियलिटी से मैच करता है, बाय अज्यूमिंग सॉलिड निकाला तो इसलिए अज्यूम किया, ठीक है, सॉलिड है मतलब नो ट्रांसलेशन नो रोटेशन, सॉलिड है देयरफॉर नो ट्रांसलेशन नो रोटेशन, जो भी है वाइब्रेशन पकड़ने का, तो इसका वाइब्रेशन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, सो दिस हैज थ्री वाइब्रेशन, दिस हैज थ्री वाइब्रेशन एंड दिस हैज थ्री वाइब्रेशन, so total how many vibrational degrees are present, 3 3 3 9, iska 3 iska 3 iska 3, theek hai, wo jo purana tha solid, iske pehle jo solid ka kiya wo single monoatomic tha, ye triatomic hai,
तीन आइटम का तीन वाइब्रेशन, नाइन वाइब्रेशन। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना आता है? 9 KT। तो इंटरनल एनर्जी इज 9 RT। तो सी कितना आएगा? 9 R। अब इधर सीपीसीवी कुछ नहीं, ओनली सी आएगा कितना, तो वाटर का 9 R। और रियलिटी में एक्सपेरिमेंटली वाटर का निकाला तो इसके आसपास आता है, ठीक है, 9 R बाय अज्यूमिंग सॉलिड निकाला, ठीक है। देन किसी का भी सी क्या रहना चाहिए, कौन सा भी मटेरियल रहने दो, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी रहने दो, स्पेसिफिक हीट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बट इन रियल लाइफ दिस इज नॉट ट्रू। स्पेसिफिक हीट एक्चुअली इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, बट इन रियलिटी इट डिपेंड्स। टेम्परेचर बढ़ाने कम, टेम्परेचर बढ़ाने से या फिर कम करने से स्पेसिफिक हीट चेंजेस, बट एक्चुअली इट शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट मीन फ्री पाथ, देन क्या है, नेक्स्ट है मीन फ्री पाथ। जस्ट उसका फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ काम का नहीं। मीन फ्री पाथ किसके लिए है बोलता हूं, गैस के लिए, किसके लिए है, गैस के लिए। इसका स्क्रीनशॉट मारना है तो मारो, आगे जाएंगे। फाइनल पार्ट ये वो, और फिर SP3 आएगा, देखो मैं कितना होशियार हूं, देखो मेरी होशियारी देखता हूं जरा। SP3 है रे शेमडे सब, SP3 है, गूगल पे देखा, देखो इधर दिख रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, देखो मेरी होशियारी कितनी है, तुमसे तो ज्यादा होशियार लग रहा है केमिस्ट्री में। अब मैंने 12th में रीड किया था, 12th में रीड किया था केमिस्ट्री में, मुझे कितना आया था, 46 का 48 था, इधर दो गया, उधर दो गया, उधर चार गया, चार 8 9 बस 46 था। केमिस्ट्री का स्कोर कितना था मेरा, 46 out of 50। देखो मुझे कब का याद है, तुम लोगों को अभी पढ़ाई चालू है, तुम लोगों का अभी याद नहीं है, कैसा है देखो क्या कर रहे हो। हाँ बराबर है, SP3 दो लोन पे और नीचे का दो बॉन्ड्स, क्या करते कि हाँ? चलो नेक्स्ट देखो, मीन फ्री पाथ, एंगल भी बोलू क्या, एंगल भी बोलू क्या, पता नहीं है अभी, गेस कर रहा हूँ 109 के आसपास है क्या एंगल, देखो एंगल भी देखो कितना होशियार है, अब ये देखा नहीं है, नहीं तुम लोग बोलोगे नेट पे पढ़ के बोल रहे सर हवा चल रहा है, हवा नहीं, कितना एंगल बोलो, 109 107 के आसपास कुछ तो होगा, बोलो कितना है क्या, वो भी पता नहीं तुम लोगों को। खत्म चैप्टर, इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, चैप्टर खत्म। और तो एक तो ग्राफ भी देखना है, ग्राफ देखना है इसके बाद कितना है। अब एंगल का भी गलती है, देखो एंगल एक बोल रही है, 109 बोल रही है, उसके बाद 104 के दो आए हैं, अरे कैसा चल रहा रे, हाँ देखता हूँ अभी एंगल भी देखता हूँ, दिख रहा है क्या, वन
104 है, 104. अब जिन्होंने 104.5 बोला है उन्होंने गूगल पे देख के बोला है. अब 104 दिखा रहा है, देख गूगल पे तो 104 दिखा रहा है, 104 रहेगा. कैसा कर रहे रे पढ़ाई, हाँ कैसा कर रहे रे, नींद में पढ़ाई कर रहे क्या? इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हाइब्रिडाइजेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा गलती कैसा पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ चलो देखो इधर, चलो इधर देखो क्या है. तो मीन फ्री पाथ किसके लिए है? चलो मीन फ्री पाथ, अब मेरा एंगल गलत आया मैं बोलता हूं, तो तुम लोग बोलोगे सर का एंगल गलत आया है, सर ने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं आया गलत आया, एक्सेप्ट करो. देखो मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या है? तो मीन फ्री पाथ क्या है, ये गैस के लिए रहता है. मीन फ्री पाथ क्या है, किसके लिए रहता है? गैस के लिए रहता है. तो क्या है, समझो अगर ये सभी रूम में गैस है, इस चेंबर में गैस है, तो इधर गैस का मॉलिक्यूल है, इधर भी है मॉलिक्यूल, इधर भी मॉलिक्यूल है, ठीक है. तो इधर है गैस का मॉलिक्यूल है, इधर है, इधर भी गैस का मॉलिक्यूल है. तो क्या हो रहा है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैज वेलोसिटी, ईच मॉलिक्यूल हैज वेलोसिटी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, ईच मॉलिक्यूल हैज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो चुपचाप बैठा है क्या, बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स आर मूविंग. तो मॉलिक्यूल इधर जाएगा कोलाइड मारेगा, फिर इधर आएगा कोलाइड मारेगा. तो टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, टाइम बिटवीन इधर कोलाइड मारा फिर इधर कोलाइड मारा, ये मॉलिक्यूल. तो टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है. टू टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स रिलैक्सेशन टाइम टू, वो कितना है? तो उसका फॉर्मूला ये है, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक है. अभी हर एक कोलिजन्स के बीच में सेम टाइम तो नहीं रहेगा, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि हर एक मॉलिक्यूल सेम टाइम डिफरेंस के बाद ही कोलाइड होता है, नहीं एवरेज निकल आएगा. तो ये है पाई कॉन्स्टेंट है. डी क्या है, इट इज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल. डी इज व्हाट, इट इज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल. बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल. यानी एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब. एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब है ये. बी वेलोसिटी ऑफ हर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, एंड डी डायमीटर. तो दिस इज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स. अब दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको फ्री पाथ बोलते हैं. डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड फ्री पाथ. एंड हर एक कोलिजन का पाथ सेम नहीं रहेगा, पाथ लेंथ सेम नहीं रहेगा, तो उसका भी मीन लिया, तो दैट इज मीन फ्री पाथ. यह है मीन फ्री पाथ. तो दिस इज मीन फ्री पाथ. तो मीन फ्री पाथ कितना है, तो वो इतना रूट टू कॉन्स्टेंट है, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब है, पाई कॉन्स्टेंट है, डी वापस से डायमीटर है. तो ये डिपेंडेंसी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आता है. एक ही क्वेश्चन है शायद, एरर लिस्ट में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक दो क्वेश्चन ही है, कम है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो दोनों लिख के ले लो. चलो दोनों ही लिख के ले लो, ठीक है. मेरा लेकिन बॉन्ड लेंथ आसपास तो था, आसपास तो था, ठीक है ना, 120 रहना चाहिए टेट्राहेड्रल के हिसाब से, लेकिन वो ऊपर का लोन पेयर दबाता है ना उसको. देखो मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि मेरे को ज्यादा पता है, ऐसा ऊपर का लोन पेयर दबाता है तो कम होता है. चलो लिखो,
चलो हो गया करें, चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, रियल गैसेस का डायग्राम दिया है, रियल गैसेस का ग्राफ्स दिया है, फाइनल पार्ट अभी, रियल गैसेस का ग्राफ्स दिया है एनसीईआरटी में, एरर लिस्ट में थोड़ा ज्यादा दिया है, रियल गैसेस का इक्वेशन भी दिया है, कुछ मत रीड करो, वो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को सेंड किया है पॉइंट वाइज क्या नहीं रीड करने का, क्या करने का, नहीं समझ में आता है दूसरा कोई बुक यूज कर रहे हैं तो बोला है मैंने सिलेबस देखो उसके हिसाब से रीड करो, एक्स्ट्रा मत रीड करो नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। तुम लोगों को अगर फिजिक्स में पीएचडी करना है तो एग्जाम के बाद में 2-3 महीना छुट्टी रहता है, जितना पढ़ना है फिजिक्स पढ़ो, उसको उसके लिए भी बुक बोलता हूँ हैलिडे रेसनिक पढ़ो, एकदम मस्त बुक है, ठीक है, रेसनिक हैलिडे राइटर्स का नाम है, एकदम मस्त बुक है, रीड करो, वाइडली पब्लिकेशन का है। अभी मार्क्स पे फोकस करने का, जितना मार्क्स के लिए काम का है उतना ही रीड करने का। चलो तो अभी तीन ग्राफ्स है, तीन ग्राफ्स है वो देखने का, फिर खत्म। इस पे क्वेश्चंस तो कभी देखे नहीं मैंने, क्वेश्चंस इस पे आया नहीं कभी। यहाँ पे ग्राफ है फर्स्ट वाला, क्या है ये, पीवी अपॉन आरटी है, इस एक्सिस पे पीवी अपॉन आरटी है एंड इस एक्सिस पे प्रेशर है, ठीक है, ऑन दिस एक्सिस वी हैव पीवी अपॉन आरटी और ऑन दिस एक्सिस वी हैव पी, तो दिस ग्राफ इज फॉर 1 मोल, इस ग्राफ इज ड्रॉन फॉर 1 मोल, ठीक है। तो अगर आइडियल गैस है तो क्या होगा, PV इज इक्वल टू NRT, लेकिन N ही 1 है तो PV इज इक्वल टू NRT, तो N 1 है ना, तो RT तो इधर आया तो PV by RT इज इक्वल टू N, तो N ही 1 है, तो ये इसका वैल्यू फिक्स है फॉर आइडियल गैस, दिस वैल्यू इज फिक्स्ड, वो क्या रहेगा 1, इसको कंप्रेशन रेशियो भी बोलते हैं, तो 1 पे रहेगा आइडियल का ग्राफ। अगर आइडियल गैस है तो ग्राफ कैसा रहेगा, एग्जैक्टली 1 पे रहना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली ग्राफ कैसा रहता है, लेकिन टेम्परेचर कम है तो ग्राफ बहुत डेविएट करता है, बहुत नीचे आ गया जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, बहुत ग्राफ नीचे है जैसे प्रेशर वापस बढ़ता है फिर ऊपर गया, तो आइडियल से डेविएट होता है, यहां पर आइडियल के पास में है, इधर इधर आइडियल के पास में है और वापस इधर आइडियल के पास में जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ कैसा होता है, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ ऐसा होता है, टेम्परेचर T2 बढ़ा है कंपेयर टू T3, T2 बढ़ा है, और भी टेम्परेचर बढ़ा है तो T1 इज लार्जर देन T2 देन T3, तो जितना बड़ा टेम्परेचर उतना क्या होता है, ये रियल गैस का कर्व है, रियल गैस का कर्व T1 टेम्परेचर पे, रियल गैस का कर्व T2 पे, ये T3 पे, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कर्व गोज नियर आइडियल, तो ये आइडियल जैसा थोड़ा बहुत बिहेव करता है, ये आइडियल से बहुत दूर है, ये आइडियल से बहुत ही ज्यादा दूर है, ठीक है। कम टेम्परेचर पे देखो क्या हो रहा है, कम टेम्परेचर नहीं, कम प्रेशर पे, कम प्रेशर पे क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीजेस, ग्राफ देखो तीनों भी ग्राफ आइडियल की तरफ है, कम प्रेशर पे मतलब इधर, कम प्रेशर पे इधर आइडियल के पास जाता है, तो गैस गोज टुवर्ड्स आइडियल गैस बिहेवियर, रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल, कब, तो लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा आइडियल की तरफ जा रहा है, प्रेशर कम है तो आइडियल की तरफ है, ठीक है, ओके। चलो लिखो ये, इसका स्क्रीनशॉट मारो, इस पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बस इतना ऐसा ही याद रखो, कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं आता, बस डिस्कशन किया है एक पेज पे, एनसीईआरटी में एक पेज पे डिस्कशन किया है कैसा बिहेवियर हो रहा है क्या है, ठीक है।
तो ये भी देखो जरा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे ऐसा होता क्यों है? देखो अभी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होता क्यों है? ये आ सकता है क्वेश्चन, ये आ सकता है, एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर व्हाई डज गैस टेंड्स टू बी आइडियल, व्हाई डज रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस? तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉरी लो प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन डिक्रीजेस, गैस का जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, और उनके बीच का लो प्रेशर हो गया तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर हो गया तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है मॉलिक्यूल्स दूर जाता है, उनके बीच का इंटरेक्शन कम होता है, तो आइडियल की तरफ जाता है। तो क्या होता है? रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, वो अट्रैक्शन वैन डर वाल का वगैरह कम होता है, बोला था मैंने। एंड दूसरा क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा तो वॉल्यूम बहुत बढ़ता है कंपेयर टू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, कंपेयर टू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल गैस का वॉल्यूम बहुत बढ़ता है, एंड इनका डिस्टेंस बढ़ता है तो वैन डर वाल काम में नहीं आता, ऐसा। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, लेस इंटरेक्शन है इसलिए आइडियल बिहेवियर है। चलो मारा स्क्रीनशॉट मारा इसका। रियल गैस का जितना मैं बता रहा हूं उतना ही रीड करो, यूनिवर्सल में थोड़ा ज्यादा दिया है, टाइम पास मत करो। फिर देन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आज बंद नहीं हुआ रहे, आज 31st का भी ऑफर दिया लग रहा है, जूम ने 31st का ऑफर दिया, उसके पहले क्रिसमस पे ऑफर था। इसका एक बार देखता हूँ ग्राफ मेरा इस इधर ड्राइंग में है, एनसीईआरटी किधर है, ऊपर रख दिया शायद, छोड़ो। ठीक है, देखो तो दिस इज पी वर्सेस वी ग्राफ, ये क्या क्या है, नेक्स्ट है पी वर्सेस वी ग्राफ। तो पी वर्सेस वी ग्राफ क्या है, पी वर्सेस वी ग्राफ का नेचर क्या है, चलो बोलो, कमेंट करो। चलो गलती करने के लिए तुम लोगों को चांस देता हूं, चलो और एक गलती करो। पी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ क्या है, बोलो। अरे करेक्ट बता दिया, बोलो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ क्या है, आइडियल के लिए, आइडियल के लिए ग्राफ नेचर क्या है, क्या बात है, सेकंड पे आंसर करें, तीसरा पे आंसर करें, क्या बात है। अरे चौथा भी करें, हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रहा कि जो सिलेबस में है, ये नेचर सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा है, वो आ रहा है। अबे गलती हो गया, एक का गलती हो गया, कैसा आता है? तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑलरेडी ड्रॉ किया है मैंने, डॉटेड लाइन आइडियल का है, इधर ड्रॉ किया है, बस नेचर बोलना है, डॉटेड लाइन आइडियल का है, ठीक है ना, मेरा ड्रॉइंग इतना भी खराब नहीं है। ये क्या है, ऐसा वाकड़ा है, वाकड़ा है, स्ट्रेट नहीं है, ये भी वाकड़ा है। तो आइडियल का बिहेवियर कैसा है, हाइपरबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आइडियल डॉटेड लाइन, और रियल सॉलिड लाइन,
टेम्परेचर ज्यादा है तो दोनों ग्राफ पास पास है, देखो टेम्परेचर ज्यादा पे ये आइडियल का ग्राफ, ये रियल का ग्राफ, एट हायर टेम्परेचर आइडियल ग्राफ रियल ग्राफ, तो दोनों पास पास में है, बिहेवियर एक दूसरे के पास है, तो आइडियल के पास गया है रियल वाला। बट वेन टेम्परेचर इज लो, रियल एकदम दूर है ग्राफ, आइडियल एकदम दूर है, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है बढ़ गया है, तो मतलब रियल का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया, आइडियल का इधर ही है। एट हायर टेम्परेचर दोनों का बिहेवियर आसपास सेम है, मतलब ग्राफ आसपास इंक्रीज, ठीक है। तो ऐसा है हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके। अब लास्ट वाला ग्राफ में भी, ग्राफ भी इधर ही ड्रॉ करता हूं। तो ये है टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। चलो अब मैं ड्रॉ नहीं करता, पहले पूछता हूं तुम लोगों को क्या आएगा ग्राफ का नेचर, बोलो ग्राफ का नेचर क्या आएगा। फाइनल पार्ट हो गया चैप्टर, थोड़ा न्यूमेरिकल्स करेंगे ब्रेक के बाद। चलो बोलो क्या आएगा ग्राफ, बोलो 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 बोलो। चलो तीन आंसर सही है, फोर आंसर, चार आंसर सही है, सब सही है। अरे बाप, फोड़ रहे बच्चे, क्या फोड़ रहे। तो कैसा T वर्सेस V क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, तो स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इधर से ही जाने वाला ही है, इस इधर से ही जाने वाला है, ठीक है, और एक इधर से ऐसा, ये लो प्रेशर पे ग्राफ है, ये हाई प्रेशर पे है, हाई प्रेशर पे या लो प्रेशर पे। तो लो प्रेशर पे क्या होता है, लो प्रेशर पे क्या होता है, आइडियल एंड रियल थोड़ा पास पास है, लो प्रेशर पे आइडियल और रियल पास पास है, तो आइडियल ड्रॉ किया है, रियल थोड़ा इसके पास में आता है, रियल थोड़ा इसके पास में आता है, ऐसा कर्व आता है थोड़ा, और इधर ऐसा। तो हाई प्रेशर पे रियल आइडियल दूर दूर है, लो प्रेशर पे आइडियल एंड रियल क्या है, पास पास है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, चलेगा। चलो स्क्रीनशॉट मारो, काम खत्म। अभी क्या करेंगे, अभी हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद, sp3 sp2 क्या है, लोन पेयर टेट्राहेड्रल सब देखेंगे, बॉन्ड एंगल केमिकल बॉन्डिंग पूरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो बस ब्रेक के बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, ब्रेक के बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, बस हो गया।